Student, in previous lecture I told you about habitat and structure of Cyanobacteria. In this lecture, we are going to discuss reproduction of Cyanobacteria. In this lecture, I will tell you how cyanobacteria increase its number. As far as the reproduction of Cyanobacteria is concerned, the sexual reproduction is absent in Cyanobacteria. As you know, asexual reproduction, sexual reproduction is also absent in bacteria so we can say that prokaryotes do not reproduce sexually but they uh, but they can reproduce asexually so let's see asexual reproduction in cyanobacteria cyanobacteria reproduce asexually by following method by cell division by fragmentation by her a akinate, endospore exospore heterosis and nanosis we will discuss all of them one by one let's, let's start with cell division or binary fission what happened in cell division or binary fission first of all cell division found in only in unicellular cyanobacteria so what happened in cell division in cell division first of all first of all the genetic material of cell divide into two this is the genetic material it replicate into two and they move apart and after that a construction appear in the middle which divide the cell into two cells. तो क्या होता है बाइनरी फिजन में या इसको हम सेल डिवीजन भी कहते हैं सबसे पहले आप देखें इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो दो में डिवाइड हो गया उसके बाद इस सेल के दरमियान में कंस्ट्रक्शन आ गई और उस कंस्ट्रक्शन ने एक सेल को टू डॉटर सेल में डिवाइड कर दिया इसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे सेल डिवीजन या बाइनरी फिजन और ये साइनोबैक्टीरिया के कौन से ऑर्डर में पाई जाती है ये सिर्फ साइनोबैक्टीरिया के ऑर्डर क्रॉको में पाई जाती है क्योंकि ये ये साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास एसे रिपोर्टक्शन का मेथड है वो है फ्रेगमेंटेशन अब फ्रेगमेंटेशन में देखें बेसिकली क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में ये एक साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी है ये ट्राइकोम है और ट्राइकोम के चारों तरफ ये जिलेटिनियस जो मटेरियल चढ़ा हुआ होता है ये मिलकर क्या बन रहा है इसकी पूरी एक कॉलोनी है अब क्या होता है कि ये कॉलोनी किसी भी मैकेनिकल इंजरी की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से किसी फिजियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से ब्रेकडाउन हो गई दो फ्रेगमेंट में और हर फ्रेगमेंट एक नई कॉलोनी बना लेगा ये फ्रेगमेंट एक अलहदा कॉलोनी बना लेगा और ये फ्रेगमेंट एक अलहदा कॉलोनी बना लेगा और ये जो एस एक्सो रिपोर्डक्शन है किसमें पाई जाती है नोस्टॉक में होती है और एसिलेटोरिया में जो है वो असिलेटोरिया में ये एस एक्सो पाई जाती है इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो है हार्मोगोनिया अब हार्मोगोनिया और फ्रेगमेंटेशन में आप थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे तो फ्रेगमेंटेशन है हारमोगनिया हारमोगनिया में क्या होता है कि असल में ये जो कॉलोनी होती है कॉलोनी के अंदर जो सिंगल रो ऑफ सेल है इस सिंगल रो ऑफ सेल को हम क्या कह रहे हैं इसको हम कह रहे हैं ट्राईकॉम अब क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन में तो पूरी कॉलोनी डिवाइड हो जाती है लेकिन क्या होता है इस हारमोगनिया के अंदर इसमें ये जो ट्राईकॉम होता है ये ट्राईकॉम या तो हेट्रोसिस्ट वाले पॉइंट से ब्रेक हो जाएगा या फिर इसका कोई बीच में कोई सेल डीजनरेट हो जाएगा उसकी वजह से ये ट्राइकोम ब्रेक हो जाएगा अब देखें ये ट्राइकोम ब्रेक हो गया यहाँ से ये दो पीस एक ये पीस हुआ और एक ये पीस हुआ तो स्मॉल पीस में ट्राइकोम जो, जो है वो ब्रेक डाउन हो गया अब ये ट्राइकोम के जो पीसीज हैं इनको हम क्या कहेंगे इनको हम हारमोगनिया कहेंगे इनको हम क्या कहेंगे हारमोगनिया हर हारमोगनिया एक नई कॉलोनी जो है वो क्या कर लेगा डेवलप कर लेगा तो इस किस्म का जो एस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं हारमोगोनिया अच्छा हारमोगोनिया के बाद जो नेक्स्ट एस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है एकाइनेट अब एकाइनेट देखें बेसिकली क्या होती है एकाइनेट में ये होता है कि ये जो ट्राइकोम ये होती है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है पानी इसको सही नहीं मिल रहा होता फूड सही नहीं मिल रहा होता तो क्या होता है कि कुछ वेजिटेटिव सेल्स जो हैं अपने अंदर फूड ज़्यादा रिजर्व कर लेते हैं और अपने आप को एक थिक वॉल्स में कवर कर लेते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं रेस्टिंग स्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं एक आइनेट और ज़्यादातर जो एक आइनेट बनते हैं वो हैट्रोसिस के करीब बनते हैं हैंट्रोसिस के करीब जो वेजिटेटिव सेल होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं वो एक आइनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं अब इधर देखें मैं एक इसको एक आइनेट को यहाँ से निकाल देता हूँ ये एक एक आइनेट ये इसका प्रोटोप्लाजम है ये इसकी वॉल है और सेल वॉल के ऊपर दो एडिशनल लेयर भी कवर कर लेती हैं एक को हम कहते हैं एग्जो एंडोस्पोरियम और एक को कहते हैं एग्जोस्पोरियम अब जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी उस वक्त तक ये जो है वो एक आइनेट इसी इसी तरीके से रेस्टिंग स्पोर की शक्ल में रहेगा जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी इसको वाटर मिलेगा तो क्या होगा कि इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाजम है वो एक्टिव हो जाएगा और ये एक्जो आउटर वॉल जो है वो इसकी रप्चर हो जाएगी और आउटर वॉल रप्चर हो जाएगी और प्रोटोप्लाजम दोबारा क्या डेवलप करना शुरू कर देगा क्या जर्मिनेट करेगा और दोबारा इससे ट्राइकोम बनना शुरू हो जाएंगे तो ये वाला जो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे एकाइनेट और ये किस में पाया जाता है नॉस्टॉक के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है इसके बाद जो है जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है एंडोस्पोर एंडो मींस एंडो इनसाइड तो एंडोस्पोर में क्या होता है एंडोस्पोर में बेसिकली जो है वो ये जो ट्राइकोम होते हैं ट्राइकोम के कुछ सेल्स तमाम सेल्स नहीं कुछ सेल्स के अंदर का प्रोटोपलाजम डिवाइड होके स्पोर्स बनाता है छोटे छोटे फोर और मोर देन फोर स्पोर्स बना लेता है इन स्पोर्स को हम कहते हैं एंडो इस्पोर. और ट्राइकॉम की के ये जो सेल्स हैं जब इनकी सेल वॉल रप्चर होती है तो ये एंडोस्पोर कहां आ जाते हैं एंडोस्पोर बाहर आ जाते हैं और हर एंडोस्पोर से एक नया ट्राइकॉम जो है वो डेवलप हो जाएगा ये नया ट्राईकोम डेवलप हो गया तो इस किस्म का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है इसको हम एंडोस्पोर फॉर्मेशन कहते हैं मतलब साइनोबैक्टीरिया एंडोस्पोर के जरिए भी क्या कर सकती है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती है अच्छा दूसरे स्पोर होते हैं जिनको हम एक्सोस्पोर कहते हैं एंडोमिन साइड बस दफा सेल जो होते हैं ये एक आउटसाइड पर एक कट ऑफ हो गया सेल या एक सेल आउटसाइड निकला है तो इसको हम क्या कहेंगे इस सेल को हम कहेंगे एक्जो स्पोर और जब ये सेल सेपरेट होगा तो इस सेपरेट होकर एक नया ट्राइकोम डेवलप कर लेगा तो अब ये जो एस एक्जोडी प्रोडक्शन हुई है वो एक्जो स्पोर के जरिए हुई है एंड दिस एक् एस एक्सजोडी प्रोडक्शन बाय एंडो स्पोर ये किसके जरिए हुई थी एंडो इसपोर के जरिए हुई थी अच्छा एक और फिर ये या बात याद रखें हेट्रोसिस के जरिए भी जो है वो एस एक्सोडी प्रोडक्शन होती है मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि नोस्टोक के सेल के दरमियान में कुछ स्पेशल बैरल शेप के सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं हेट्रो Cyst. ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करते हैं लेकिन नोस्टो की कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जहाँ पर ये रिप्रोडक्शन का, का काम करते हैं अच्छा क्या होता है कि ये हेट्रोसिस का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड हो जाता है फोर स्मॉलर सेल्स में या जिनको कहते हैं सेल जर्मिलिंग और ये सेल जब रप्चर होता है हेट्रोसिस तो यह सेल जर्मिलिंग बाहर आ जाते हैं और इनसे एक नया नो ट्राईकोम जो है वो नए ट्राइकोम डेवलप हो जाते हैं तो ये जो एसेक्सोडी रिप्रोडक्शन हो रही है वो किसके जरिए हो रही है वो हो रही है बेसिकली हेट्रोसिस्ट के जरिए अच्छा एक और मेथड होता है एसेक्सोडी रिप्रोडक्शन का जिसको हम कहते हैं नैनोसिस्ट नैनोसिस्ट आर नथिंगर मेथड विच इज नैनोसिस्ट नैनोसिस्ट इज नथिंग बट दे आर द दे आर द मॉडिफाइड एंडो स्पोर नैनोसिस टलेदा सी कोई चीज़ नहीं है ये एंडो ही हैं बस सिंपल ये होता है कि एंडो इसपोर जो है उनका साइज थोड़ा लार्ज होता है और एंड जो नैनोसिस्ट होता है इसका साइज है स्मॉल होता है फिर दूसरा डिफरेंस ये है कि एंडोस्पोर जब ये सेल से बाहर रिलीज होते हैं तो थोड़ी देर ये रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं जबकि नैनोस्पोर नैनोसिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं वो डायरेक्टली जैसे ही सेल से बाहर निकलते हैं फ़ौरन ही जर्मिनेट कर जाते हैं ये किसी रेस्टिंग स्टेज में नहीं रहते तो स्टूडेंट आई टोल्ड यू अबाउट तो स्टूडेंट आई टोल्ड यू अबाउट डिफरेंट मैथड ऑफ एसेक्स और रिपोर्डक्शन इन बैक्टीरिया

Uh, this is called cell division or binary fission after that i told you about fragmentation what happened in fragmentation the colony of uh, col uh, colony of cyanobacteria divided into two into two colony this is called fragmentation after fragmentation i told you about hormogonia what happened in hormogonia in hormogonia trichome divide at heterocyst or at uh, uh, or due to the degeneration of vegetative cell into small pieces these pieces are called hormogonia these hormogonia develop into a new colony now after that i told you about akinet Akinate what are akinet Akinate are resting cells formed during unfavorable condition at the time of favorable condition the wall of akinet rupture and its protoplasm develop into new trichome after that i told you about endospore what is endospore some cell of trichome the protoplasm of some cell, some cells of trichome develop into a small spore these spores are called endospores when the endospores come outside they develop into a new trichome and after that exospore exospore is formed outside the trichome when this exospore separate it develop into a new trichome after that i also told you that heterocysts some cells are also formed. some germinling cells are also formed from inside heterocyst and when these cells come out they develop into a new trichome and at last I told you that there are some nanocytes and these nanocytes are nothing but they are the endospore but they are smaller than, than endospore and they are larger in number than endospore and that they, they do not go into a resting stage they directly germinate into a new trichome next time we will discuss about the affinities of cyanobacteria as well as the classification of cyanobacteria thank you